सो हाई एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड फ्रेंड्स वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। तो इस पार्ट में क्या है, बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट फाइंड की जाती है। अब इंटरेस्ट मींस फॉर एग्जांपल हम लोग बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ इंटरेस्ट मिलती है, तो वही इंटरेस्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड की जाती है बाय द फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड की जाती है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर स्टैंड्स फॉर रेट एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, तो इसमें में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड की जाती है। आफ्टर दैट अमाउंट फाइंड करते हैं हम लोग बाय प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो इस वे में अमाउंट फाइंड की जाती है। तो ये आपने तो क्लास 7 में पढ़ा होगा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड की जाती है बाय द फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस वे में आप लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाली फॉर्मूले से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 15,000, रेट गिवन है 5% एंड टाइम यहाँ पे दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 15,000 इंटू रेट 5% इंटू टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। 0,0 कैंसिल, सो वी आर गेटिंग 1500। सो यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट निकल कर आ गई, दैट इज 1500। नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। अब हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। सो वी विल फाइंड द अमाउंट बाय एडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आई, दैट इज, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितनी है 15,000 और यहाँ पे इंटरेस्ट कितने निकल के आई थी 1500। तो हमारी अमाउंट कितनी निकल कर आ गई, दैट इज 16,500। तो ये हमारी अमाउंट निकल के आ गई। सो नाउ वी कैन राइट इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1500 एंड अमाउंट हमारी निकल के आई है, दैट इज 16,500। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकल के आ गई 1500 एंड अमाउंट निकल के आई 16,500। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग इजिली सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से आप लोग इजिली फाइंड कर सकते हो इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो यही था। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड की जाती है, बट अब हम लोग देखेंगे जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का इजी फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब जो अमाउंट होगी उसे माइनस करेंगे हम लोग प्रिंसिपल को, तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी अमाउंट क्या है, तो अमाउंट हम लोग फाइंड करते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1+r अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे r है रेट, n है नंबर ऑफ ईयर्स, n है नंबर ऑफ ईयर्स एंड p इज प्रिंसिपल। जैसा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तब वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स t से डिनोट की जाती थी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स n से डिनोट की जाएगी। बस यही है, आप लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे देन यू कैन ईजिली फाइंड बाय दिस मेथड। ये फॉर्मूले से आप लोग ईजिली फाइंड कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, और अमाउंट इस वे में फाइंड की जाती है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r अपॉन 100 टू द पावर n। तो ऐसे ही आपको करना है। सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर टू ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8,000, रेट क्या गिवन है 5% एन टू ईयर्स, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड की जाती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, ठीक है। बट यहाँ पे तो अमाउंट गिवन ही नहीं है, सो वी विल फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितने गिवन है, दैट इज 8,000। सो 8,000 इंटू 1 + 5/100 टू द पावर 2। सो 8,000 इंटू 21/20 टू द पावर 2। सो 8,000 इंटू 21/20। सो ये यहाँ पे निकल के आएगी, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 40 20। सो ये यहाँ पे निकल के आएगी 8,820। तो ये हमारी अमाउंट निकल के आ गई। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वी विल फाइंड बाय द फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तो यहाँ पे निकल के आ गई 8,820। आफ्टर दैट इसे प्रिंसिपल के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है 8,000। तो 8,000 गिवन है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गई, दैट इज 820। सो नाउ वी विल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय द फॉर्मूला ए माइनस पी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी निकल के आई थी, 8,820, प्रिंसिपल है 8,000। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगी, दैट इज 820 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गई 820 रुपीज़। तो यार ऐसे ही आपको करना है, कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट यू कैन फाइंड बाय द फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट ऐसे फाइंड की जाती है पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ पार्ट 3 यहीं पे एंड होती है हमारी, एंड आई होप कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।